जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार के दिन मैं आप सभी को सुना रही हूँ भोलेनाथ की कथा। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। अब आइए सुनिए कथा। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपने पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को जो उस गांव से भिक्षा मिलती थी उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य का लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठा रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो वह कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाइए, मुझे विश्वास है कि आप वहाँ अच्छी आय करेंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्क संगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताइन के सिवा कोई काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कदर नहीं है। किसी दूसरे या नगर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन फिर जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंच गया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में उसे कोई टके शेर पूछने वाला भी नहीं था। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा है। नगरवासी तो पूरे नास्तिक है, उसे भिक्षा तक भी देने को तैयार नहीं है। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव और माता पार्वती साथ गुजर रहे थे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए कहा, भगवान आप उस ब्राह्मण को देख रहे हैं? भगवान बोले, हाँ वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ, एक तो ब्राह्मण दूसरे दरिद्र, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव बोले, यह मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस का दुख दूर कराओगी? पार्वती बोली, आपको उस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। भगवान शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हारकर शिव को पार्वती की बात माननी पड़ी। उन्होंने उस रास्ते में जिस रास्ते से ब्राह्मण जा रहा था सोने की एक ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा, उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर तक चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के बिल्कुल समीप से होकर आगे गुजर गया। काफी दूर आगे जाने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली। यह देख भगवान से मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था ना प्रिय कि वह ब्राह्मण भाग्यहीन है, भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पार्वती जी उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतना उदास क्यों हो? पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्य का है,
उनमें आप किसी एक को धनवान बना दीजिए। ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर दे। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे। इस तरह वे धनवान बन जाएंगे। भगवान शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे। साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मा विभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिव भगवान बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मण एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने से एक गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मुग्ध हो उठा। वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा, यह सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ ले दौड़ा। यह देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी। भगवान शिव ने कहा, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सत्वावना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहाँ खड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण के पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगना चाहते हो बेटा? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोचने समझने के बाद कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे माँ को पहले जैसे बूढ़ी बना दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान शिव ने कहा और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपने माथा पीट लिया। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में ही भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में नंदी नामक वैश्या अपनी नगरी के एक धनी मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी और वर्णाश्रमोचित धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का तो उन्होंने नियम ही ले रखा था। जिस मंदिर में नंदी वैश्य पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। वह प्राणियों की हिंसा करता था। उसकी बुद्धि जट प्राय थी, उसमें विवेक का लेश भी नहीं था। दोपहर का समय था, वह भूख प्यासे व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास आकर वहाँ के सरोवर में उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहाँ से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में यह इच्छा हुई कि मंदिर में चलकर भगवान का दर्शन कर लूँ। उसने मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा की। उसने कैसी पूजा की होगी इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। ना उसके पास पूजा की सामग्री थी और ना वह उसे जानता ही था कि सामग्री का उपयोग किस विधि से किया जाता है। यह जानने की भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई कि उसने देखा कि लोगों ने स्नान कराकर बेलपत्र आदि चढ़ाए हैं। उसने एक हाथ से बेलपत्र तोड़ा, दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था।
गंडूस जल से स्नान कराकर उसने बेलपत्र और मांस चढ़ा दिया। भील मांस भोजी था। उसको इस बात का पता नहीं था कि देवता को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। यही काम यदि कोई जानबूझकर करे तो वह दोष का भागी होता है, परंतु उसने तो भाव से अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनंद आया उसे। प्रेम मुक्त होकर वह शिवलिंग के सम्मुख साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने धीरता से यह निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान शिव का पूजा करूंगा। उसका यह निश्चय अभिचल था, क्योंकि यह उसके गंभीर स्थल की प्रेरणा थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर की स्थिति देखकर वे अवाक रह गए। कल की पूजा इधर उधर बिखरी पड़ी थी, मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा, यह क्या हुआ, मेरी पूजा में ही कोई त्रुटि हुई होगी जिसका यह फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था, अवश्य ही मेरा दुर्भाग्य है। यही सब सोचते हुए उसने मंदिर की सफाई किया और पुनः स्नान आदि करके भगवान की पूजन की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित से सारा समाचार कह सुनाया और बड़ी चिंता प्रकट हुई। पुरोहित को क्या पता था कि इस काम में भी किसी की भक्ति भाव से हो सकता है। उन्होंने कहा, अवश्य ही यह किसी मूर्ख का काम है, नहीं तो रत्नों को इधर उधर बिखेर कर भला कोई मंदिर को अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता। चलो कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है। अगले दिन प्रातः काल नंदी वैश्य अपने पुरोहित के साथ लेकर शिव मंदिर पहुंच गए। देखा वही हालत आज भी थी जो कल थी। वहां मार्जन आदि करके नंदी ने शिव जी की पूजा पचोपचार पूजा की और रुद्र अभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंखें लगी हुई थी कि देखो मंदिर को भ्रष्ट करने वाला कब किधर से आता है। दोपहर के समय की रात आया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी, हाथों में धनुष बांध लिए। भगवान शिव की कुछ ऐसे ही लीला थी कि किरात को देखकर सब के सब डर गए और एक कोने में जा छिपे। उनके देखते देखते किरात ने उनकी की हुई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी। एक गडूस जल से स्नान कराकर बेलपत्र और मांस चढ़ाया। जब वह साष्टांग प्रणाम करके चला गया, तब नंदी वैश्य और ब्राह्मणों की जी में जी आया और सब बस्ती में लौट आए। नंदी को व्यवस्था मिली कि उस लिंग मूर्ति को ही अपने घर ले जाना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार शिवलिंग वहां से उखाड़ लाया गया और नंदी वैश्य के घर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गई। उनके घर सोने और मणि रत्नों की कमी तो थी ही नहीं, संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया। प्रतिदिन नियम अनुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को ना पाकर सोचने लगा, यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का एक एक कोना छान डाला, एक एक छिद्र को उसने ध्यान पूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ है, उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि में वह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राण के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर निछावर कर रखा था। अपने जीवन सर्वस्त्र प्रभु को न पाकर वह बिहल हो गया और बड़े आर्द स्वर में पुकारने लगा, महादेव मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए। प्रभु अब एक क्षण का विलम्ब सहन नहीं होता मेरे से, मेरे प्राण तड़प रहे हैं। यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूंगा। यह कहकर किरात ने अपने हाथ से अपने शरीर का सारा मांस काटकर उस स्थान पर रखा जहां पहले शिवलिंग था, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था। किरात की तमन्नत्या देखकर शिव ने अपनी समाधि भंग की। वे उसके चर्म चछुओं के सामने प्रकट हो गए और बोले,
महाप्राज्ञ वीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव प्रेम का ऋणी हूँ। तुम्हारे जो बड़े से बड़े अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं तो भीतर देख रहा था, वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति पराकाष्ठा को पहुंच गई और वह सर्वाग्य से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। किरात की निष्काम प्रेम पूर्वक प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान शंकर के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भेरी शंख मृदंग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। वह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी बैस्या के घर पहुंच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ ज्ञान अज्ञान रूप मल था उनके चित्त की भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं वह सब कुछ धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे। हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है, मेरे गणों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी। किरात ने कहा, प्रभु ये आपके सेवक है, प्रतिदिन रत्न मणिक्य से आपकी पूजा करते थे, आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शिव ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है, तुम तो मेरे प्रेमी हो सखा हो, परंतु ये कौन है। देखो भाई, जो निष्काम है निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं वे ही मुझे प्यारे हैं और मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है, आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे, हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शिव को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुख से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत सत मुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का रुपया प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए और माँ पार्वती के द्वारा उत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे। ये ही दोनों भक्त भगवान शंकर के गणों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शिव ने दोनों को स्वरूप दान कर लिया और कृत्य कृत्य बनाया। तो सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय। कथा को लाइक शेयर जरूर करें। भगवान आपकी और हमारी सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद।